दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने है टाटा 2523 BS4। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, चलिए सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ। दोस्तों इसका एक्सीलेटर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसके बाद में एक्सीलेटर देते हैं, लेकिन दोस्तों गाड़ी रेस नहीं हो रही है। और ये गाड़ी है दोस्तों BS4 जो कि ECM वाली गाड़ी है, और दोस्तों इसमें पूरा जो इसका एक्सीलेटर है इलेक्ट्रॉनिक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक्सीलेटर क्यों काम नहीं कर रहा है और इसका कारण क्या है, हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है BS4 का एक्सीलेटर पैडल, और आप देख सकते हैं और यहाँ पर लगा हुआ है एक सेंसर, और जो एक्सीलेटर का सेंसर लगा हुआ है ये सारा कुछ प्रॉब्लम एक्सीलेटर के सेंसर में है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस पैडल को सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद बताते हैं दोस्तों कि इस पैडल में क्या प्रॉब्लम है। पैडल को ओपन करने के लिए 4 10 नंबर के बोल्ट दिए हुए हैं और केबल का कनेक्टर निकालना है, पैडल बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके पैडल को बाहर निकाल लेते हैं। सो हमने एक्सीलेटर पैडल को बाहर निकाल लिया है, और दोस्तों देख सकते हैं सेंसर के ऊपर दो स्क्रू लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम इस स्क्रू को ओपन करते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं स्क्रू ओपन हो चुका है। जैसे ही हम स्क्रू ओपन करते हैं दोस्तों, तो एक्सीलेटर पैडल से सेंसर पूरा का पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद एक ऊपर में कैप लगा हुआ है, चलिए हम थोड़ा सा स्क्रू ड्रॉअर से उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। एक्सीलेटर पैडल का जो सेंसर, उसका जो कैप है उसके अंदर में लॉक रहते हैं, तो हमें इसे अच्छे से निकालना होगा ताकि लॉक ना टूटे। देख सकते हैं 4 लॉक लगा हुआ है, और कुछ इस प्रकार से अंदर से सेंसर दिखता है, ठीक है। अब चलिए हम एक और लॉक प्लेट लगी हुई है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लॉक प्लेट को छोड़ देते हैं, और एक गैस्केट है देख सकते हैं, गैस्केट को निकाल लेते हैं, उसके बाद में उस लॉक प्लेट को भी हम उसी प्रकार से निकाल लेते हैं। लॉक प्लेट में कोई लॉक नहीं है, एकदम इजी है, दोनों साइड से अगर लेवल में उठाया तो एकदम इजीली उड़ जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने निकाल लिया है, और ये रहा दोस्तों इलेक्ट्रिक सेंसर प्लेट, और सारा कुछ जो प्रॉब्लम है इसी में है। तो देख सकते हैं हमने इस सेंसर प्लेट को निकाल लिया है, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से देख सकते हैं ये काला पड़ गया है, कुछ जल गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस वजह से एक्सीलेटर पैडल काम नहीं कर रहा था और इसका कारण क्या था। तो हमें दोस्तों इसको ठीक करने के लिए हमें एक्सीलेटर पैडल का सेंसर को चेंज करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, बाय।